तो भाई बात ये है कि अब तो साहब बैठे हैं, अब ये जाने का काम जाने, बाई तरफ बैठे दिल भी बाई तरफ ही ये जाने का काम जाने, अगर नाकाम हो गए तो ये जाने और कामयाब है। यहां थोड़ा सा इशारा करूंगा और फिर आगे चलूंगा। ये बहुत बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा मजमून है। उम्रें बीत जाए और तमाम कायनात की से अगर हुजूर के ये मसल बयान करने शुरू कर दें तो सब कुछ खत्म हो जाए, नबी पाक का एक मसल भी नहीं रहता। मेरे नबी के गुलाम आ चुके, इसकी सदारत यकीन कीजिए सदारत अच्छा हो रहा है। ये जामे मकबूल मनकूर पीर तरीका रहबर शरीयत अशाह डॉक्टर ख्वाजा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब किबला दामत पर का दो मिला लिया कि जेर सदारत ये उसकी माफी मुनकद हो गई। सुभान अल्लाह। उसकी कामयाबी नाकामी का जो कुछ इनके सिरे है, ये जब तुम जहल पहल हो रही है इन्हीं की तो बरकत है, इन्हीं की तो नजर करम है जो कूद रहे हैं, नारा तकबीर लगा रहे हैं, फूल निछावर कर रहे हैं। ऐ अल्लाह ये फूल निछावर करने वाले ये इतना चेहरों पहन और हर लिहाज से जलसे का इंतजाम करने वाले बाग परवरदिगार तू इनको इतना दे इतना दे इतना दे कि दुनिया में इनकी नस्लों से भी खत्म ना हो। सुभान अल्लाह। और उकबा में इनके दर्जात ऐसे बुलंद फरमा कि इनको अपने मुकद्दस महबूब का कुरब नसीब फरमा दे, अपने पीरों के जरिए साया यहां भी रहे और वहां भी रहे। बहुत बहुत साथ है, बहुत चीजें आ रही मेरे पेश में रहे, लेकिन वो इस जलसे के रंग को नहीं बिगाड़ना चाहता, समझे भाई। शैतान फिर रहा है, उछड़ता फिर रहा है, वो खुश होता है जब कोई थोड़ी घड़ी भी फर्क आए ना तो फिर उछड़ता है कूदता है और खुशी मनाता है, लेकिन तुमने शैतान को खुश नहीं होने देना, अपने मसलक और मजहब पर कायम रहना है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लज़ी यस्रा बिअम्रिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। सुभान अल्लाह। यहां एक बात अर्ज करूं, अल्लाह पाक ने फरमाया पाक है वो जात जिसने अपने बंदे मुकद्दस को रातों रात रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराया। कहां से सैर कराया? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। कौन सी मस्जिद? अक्सा। अल्लज़ी बारकना हौलहू वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें फरमाई हुई हैं। और ये सैर कराया क्यों? लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदे मुकद्दस को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वो हमारा बंदा और बेशक हम अपने बंदे की सुनने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं, और हमारा बंदा हमको देखने वाला है और सुनने वाला है। ये इसका मैंने सरसरी तर्जमा कर दिया, लेकिन मेरे नबी के गुलाम अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला का यहाँ नाम नहीं है कि सैर कराने वाला कौन है, सैर कराने वाला कौन है, और ना सैर करने वाले का जिक्र है। नाम है, हुजूर के बहुत से नाम हैं, उन नामों में से एक भी नाम यहाँ नहीं है। हुजूर के बहुत से नाम हैं लेकिन हुजूर का कोई नाम यहाँ आया है बताओ? नहीं। मजमा से समझ रहा है बात को तो बताओ? नहीं। कहना सैर करा सुभान अल्लज़ी, ये पाक है, पाक है वो जात जिसने सैर कराया अपने बंदे को। अब हुजूर का नाम तो नहीं आया, अल्लाह का नाम तो नहीं आया, हाँ बोलते हैं समझ नहीं आ रही है, आ रही है। अल्लाह ने अपना नाम नहीं लिया, और तुलाबा हो तुम भी सुनना, अल्लज़ी है असल का उसमें से वो साथ
व्यक्त ही में अब्द मुजाफ ही मुजाफिले, और मुजाफ में कोई शर्फ आता है तो मुजाफिले की वजह से आता है। तो अल्लाह ताला ने फरमा वो जात, ये नाम नहीं लिया अपना, बल्कि अल्लाह ताला ने बात मुतलक रखी और फरमा वो जात। तो तुमसे अब मैं पूछता हूं, समझ बिल्कुल वाजे हो, बताओ तमाम जातों में जात अफजल व आला किसकी जात है? किसकी? अल्लाह ताला। शाबाश, जातों में जात सबसे बरतर व बाला कौन सी जात है? अल्लाह की। और खुदा की मखलूक तो सारी चीजें हैं, फरिश्ते क्या, जिन क्या, इंसान क्या, गाय क्या, भैंस क्या, बकरी क्या, कीड़े मकोड़े क्या, इबाद उन मसालों को तुम्हारी तरह बंदे हैं। तो अबद का बयान करो, जब अबद किसको कहते तो वो बात नहीं है, बताना ये है कि लेकिन बंदों में से बंदा सबसे अफजल आला कौन सा बंदा है? बोलो, खुदा के जितने बंदे हैं उनमें सबसे अफजल आला कौन सा बंदा है? शाबाश, अब तुम बात समझो कि जातों में से सबसे बरतर वाला जात अल्लाह की, और बंदों में से सबसे अफजल वाला बंदा कौन? की जात। तो नाम नहीं लिया, ना अपना नाम लिया, ना अपने महबूब का लिया। क्यों नहीं लिया? अरबी दान जानते ही कुरान अरबी में नाजर हुआ, और अरबी का कायदा है कल मुतलको जनसरे बोला फर्द कामिल, के मुतलक चीज जब बोली जाए तो उससे मुराद फर्द कामिल होता है। हमेशा इधर उधर की बातें करता हूँ, बुजुर्गाने दीन की ये जगह पे इधर हसा बैठे हैं, जब इनके सामने आप भी हैं, जब मुझे पता चल रहा है कि मजमा है, हैं? कायदा अरबी का कायदा, नाम सब पढ़ के देखो, ये को तो पढ़ के देखो, अल मुतलक जनसरफ इला फर्द कामिल, जब कोई चीज मुतलक बोली जाए तो उसमें उसका फर्द कामिल मुराद होता है। तो जात जब मुतलक है कि वो जात, तो मुराद क्या होगी? अल्लाह की जात, जो सबसे अफजल है, और बंदों में से बंदा जिसको सह करा वो बंदा जो तमाम बंदों में अफजल वाला। इसलिए ना अपना नाम अल्लाह ने लिया, ना अपने महबूब का नाम लिया, क्योंकि अरबी दान के कुरान अरबी में आया है, और अरबी दान इसको समझते हैं, उन्हीं को समझाना था ताकि तमाम सबको फिर वो आगे समझा दें। तो मेरे नबी के गुलामों बताइए जरा कि जो जात सबसे अफजल आला है, उस जात ने जो सैर कराया अपने बंदों में सबसे अफजल आला बंदे को सैर कराया। सुभान अल्लाह। तो अब वो कायदा आ गया कि मुतलक वला फर्द कामिल, कि जब मुतलक चीज बोली जाए तो फर्द कामिल मुराद होता है। तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह की जात ने सैर कराया तो वो जात जो सबसे अफजल वाला है, सैर किसको कराया? उस बंदे को जो सबसे अफजल वाला है। अगर ये बात नहीं भी समझी आई ताकि पता चल जाए कि जब वो जात कहेंगे तो पूरी कायनात पर वो का लफ्ज आएगा, और फिर मेरी जात पर बात खत्म होगी। जितने भी बंदे हैं तो मेरी तो मखलूक में सारे मेरे ही बंदे, ताकि मेरा वो बंदा मुराद हो कि जिस बंदे से ऊपर कोई बंदा ना हो। और वाह डॉक्टर इकबाल, तूने कैसी बात कही कि एक है अब हम हैं जिन्हें अब और मुस्तफा है अब लोग हैं कि अब दीगरी अब दीगरी अब दो चीजें दिगर ही सरापा अब दीगर आपको हूँ चीजें दिगर। अब ये डॉक्टर इकबाल ने उस बात की जो तुम्हें बता रहा था कि एक निरावत है और अब तो हूँ ये और चीज है। अब कौन जो हमेशा मुंतजिर रहे, कब कब मेरी बार गाई जाएगी, मजबूरियत हो कल बात बने कब ना बने, और अब तो हूँ कौन है जिसकी वहां इंतजार की जाए? ये सराबा इंतजार है अब, और अब तो हूँ कौन होता है जिसकी वहां
जो जिब्रील जल्दी जा शान शौकत के साथ जा 70,000 मलाइका साथ ले जा और मेरे महबूब को पूरा जुलूस की जगह में शान शौकत से ला। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी के गुलाम अब ये यहां इसरा का जिक्र है। एक है इसरा, एक है मेरा, एक है एरा, और हमारे नबी पाक की शानें भी तीन हैं। इसरा हुजूर का इसरा मेराज के हिस्से, मेराज के तीन हिस्से हैं। एक है एराज ना, एक है इसरा, एक है मेराज और एक है एराज। इसरा का बयान सुभान अल्लाह इसरा भी अब देही लैला मिन अल मस्जिद हराम इला मस्जिद अल अक्सा, यहां तक हुजूर पाक का सफर इसरा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? और ये हुजूर का मेराज जो इसरा वाला है, ये हुजूर की बशरियत है। हुजूर की बशरियत है पाक, हुजूर की जिस्मानियत, हुजूर का जिस्म है, हुजूर की कुछ इंसान है। तो ये इसरा अक्सा तक है इसका ताल्लुक, और इससे ऊपर अब ये शान है बशरियत है हुजूर की। ये शान इंसानियत जो हुजूर जिस्मा रूप मा जिस्म के हैं, तो ये बशरियत का शुमार है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये बशरियत का है, हुजूर की बशरियत पाका का मेरा, जो जिसको इसरा कहते हैं, समझे। और आगे हुजूर की ये शान होगी। दूसरी शान हुजूर की मलकियत और नूरानियत है। दूसरी शान क्या है? मलकियत और नूरानियत है। तो मस्जिद अक्सा से, मस्जिद से अक्सा, हाँ मस्जिद अक्सा से ऊपर सिद्दतुल मुंतहा अरश तक, ये हुजूर का मेराज है। और ये किसी हुजूर का मेराज है, किसी का है? ये हुजूर पाक की जो तीन शान है उनमें से ये हुजूर की मलकियत और नूरानियत का मेराज। तो मेराज इसको कहते हैं, मेराज किसको कहते हैं? जो मस्जिद अक्सा से हुजूर ऊपर तशरीफ ले गए, सिद्दतुल मुंतहा से आगे गए, जब सिद्दतुल मुंतहा पर पहुंचे तो जिब्रील ने कहा हुजूर मेरी तो मजा ले लिया, अब मेरी बात खत्म, क्यों आ चले? हुजूर हाथ जोड़ लिए और जिब्रील ने कहा मेरे आका लाओ दनो तो अजमेला दन ला तरख दो, आका घर में एक परो एक पोर में बराबर भी आगे हो गया तो जल के राख हो जाऊंगा, और एक रवायत में के लाओ खता हो तो खुतबा दन ला तरख दो, अगर यहां से मैंने एक कदम भी आगे उठा दिया तो मैं तो जल जाऊंगा। चूंकि जिब्रील सरापा अकल बन गए और माजर कर ली कि मेरे आका मेरी मजाल नहीं, आगे रफरफ आ गया है, तो ये यहां जो जितना भी था ये मेराज था हुजूर पाक का, नूरानियत का। हुजूर की जो शान नूरानियत है, जो मलकियत है, ये है असल मेराज, ये है। और ये दरमियान में है, और अर्श के ऊपर जो है वो एराज है, उसको कहते हैं एराज। क्या है बोलो? एराज। और नबी की शान कौन सी है उसमें? नबी की शान हकीकियत, हकीकियत, हकीकत मोहम्मदिया, ये उसका मेराज है ऊपर। इसीलिए उन्होंने फरमाया या बाबकरी मन नजी बासानी बिल हक लब यार अपनी हकीकत में यारो रब्बी, ए मेरे यारे गार मुझे मेरे रब की कसम जिसने मुझे पैदा फरमाया है हकीकत तो मुझे किसी ने जाना ही नहीं। जानने का ताल्लुक तो नीचे नीचे तो वहां कौन जाए है? जब हुजूर यहां से चले हैं तो देखता रहेगा जिब्रील, आए हाय हाय किस वो साथ साथ हुए। उन्होंने कहा कि जिब्रील रहे बुर्राक थके रफ रफ भी आगे जा न सके, जिब्रील रहे बुर्राक थके रफ रफ भी आगे जा न सके, रबू गए तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना, ए अहमद मुरसल नूरे खुदा तेरी शान उला का क्या कहना। जमीन वगैरह अब छाले नीचे रह गए और देखते हैं हुजूर जब चले हुजूर मैंने ये रफ रफ आ गया, जिब्रील रहे पुराप थके रफ रफ भी आगे जा ना सके, रब गैब से उज़्नू मिन्नी कहे तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना।
मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानो, मेरे नबी के उम्मत जो नबी पाक ने फरमा जिबील अगर अब तू आगे नहीं चल सकता तो बता तेरी क्या हाजत है, बोल कोई हाजत है तो मांग, क्या चाहता है? कहा हुजूर हाजत है। कहा क्या हाजत है? कहा आज मेरे आका मेरी यह हाजत है कि मेरी ड्यूटी लगा दे, क़यामत के दिन तेरे उम्मती आए तो मैं अपने पर बिछादू पुरसरातों पर जो बाल से बारीक है और तलवार से तेज है तो तेरे उम्मती मेरे ऊपर से गुजर जाए। हुजूर मेरी ड्यूटी मांग लाना खुदा की बारगाह से, अन अब सोता जनाहैया अल सिरात फतजूज उम्मत का, मैं अपने पैर बिछा दूंगा पुरसरात पर तो तेरे उम्मती मेरे पर होकर ऊपर से गुजरे। वाजिबी उम्मत मोहम्मदिया के मकाम को तू जानता था, मांगी भी तो क्या चीज मांगी, वो मांगी जो महबूब को प्यारी हो और महबूब को प्यार सिर्फ अपनी उम्मत से। उम्मत के लिए जो रोते रहे जिब्रील भी समझता था कि जब हुजूर उम्मत के लिए रोते तो क्यों ना उम्मत की खिदमत मांग लू। तो हमें तो अपने कदमों की कदर नहीं है लेकिन जिब्रील को पता है कि उम्मत मोहम्मदिया के कदमों में क्या बरकत है, हैं? कि वो कदम है जब हुजूर के गुलाम पुरसरात पर आएंगे तो पुरसरात जी से जहन्नम होगा, जहन्नम बोल उठेगा क्यों उम्मत मोहम्मदिया के परवाने मोमिन जल्दी गुलाम जुज क्या मोमिन फैन नूर का दुखी लहाबी, अरे तेरा नूर मेरी आंख को बुझा रहा है। पूरा मेरे लिए तकिया सोनिया, हाँ इधर देखा हिसाब का जांच कीजिए, आओ हिसाब की जरूरत करते रहो, अरे इधर मत देखो कि ऐसे मजबे में भी देखो बिल्कुल देखते हैं, ऐसे मत देखो इनको देखो नारे हजी नारे मान के नारे तकलीफ सुनो तो नारे याद करो बेहतर तो ध्यान कर दो को ये कि ध्यान रखो बस अपने पीर की तरफ ध्यान रखो नबी पाक की तरफ ध्यान रखो। ये देवता तकना क्या ये मैं तकरीर नहीं कर रहा ये कर रहे सुभान अल्लाह। पहले कह दिया था कि ना तकरीर हुई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वो अगले थे भाई भी यहां ना है बुढ़ा बंदा है, हैं? तो तू करम कर ले सुभान अल्लाह। हाँ आए हाय अब रफ रफ चला है यहां से जब अक्ष पहुंचे मैं मुख्तसर कर दूं, मैं ये मेराज है पीछे इसरा था ये मेराज है और हुजूर की नूरानी तो मलकिए थे यहां तक जब चले हुजूर रफ रफ के ऊपर बैठ गए तो जिब्रील देखते रह गए तमाम मलाइका देख रहे हैं। आला हजरत यहां बोले कि ये बोले सिदरा वाले चमन सभी मैंने छांग डाले तेरे पाया का ना पाया। सुभान अल्लाह पहला है पाया इसका माना मर्तबा और एक है पाया यानी कोई नहीं मिला ढूंढने से भी मिला। सभी मैंने छांग डाले तेरे पाया मशाल को मार छान मारे कंदर को मशाले कहा वो मलारे बहा फना माजिद बिस्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील ने कहा आका मैंने हुजूर देखते हुए जिब्रील पर तू सारा जहान देखा हमारे बारे में क्यों कहे, तो जिब्रील ने कहा हुजूर क्या आपके बारे में क्या कहूं कल्लतुल अर्दा मशाले कहा वो मगारे बहा मैंने पूरी जमीन के मशाले को मगार सब कुछ छान मारा लेकिन ऐ मोहम्मद अरबी तेरी मिसल कोई नजर नहीं आया आप जैसा कोई नजर नहीं आया। यह है शानी मुस्तफा पास पर पहुंचे तो फरमाद जैसे अब पूरा जवाब दे बैठा अरे गजब अब यहां से हुजूर की शान अब यहां से एराज शुरू है अब हकीकत मोहम्मदिया का यहां से मेरा शुरू होता है। फरमाद अर्श पर पहुंचे तो
से लिपट गया है हुजूर के कदमों में बोझ लिए। हुजूर अब फरमाते हैं कि फिर मेरी रफ्तार की बारी आई, अब मैं यहां से चला आरश पर पहुंचे तो हुजूर नीचे सवारी पे आए मस्जिद अच्छा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के फिर आगे बुराक पर गए और फिर रफ रफ आ गया। लेकिन यहां से आप किसी की मजार के आगे तो ना मकान है, जहां मकान ही नहीं है, जहां हुदूद ही नहीं है, किसकी मजार है वहां पर? वहां हुजूर की अपनी परवाज थी, क्योंकि मकान और मकान याद में हुदूद में हुजूर की परवाज की गुंजाइश ही न थी। हाँ ये तो ये अहलुल्लाह जो है, अहलुल्लाह का मकाम ये है कि हमारे तभी पेश ही ताइफा औलिया के सामने ही तो औलिया उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के सामने उनकी शान ये कि हमारे हुए जमीन पेश ही ताइफा चुना खुने कि अल्लाह वालों के सामने पूरी जमीन एक नाखून की तरह है उनकी शान ये। और किसी ने कह दिया चूसू फ्लाइस दस्तरखान की तरह है, और किसी ने कहा एक कदम है एक कदम, तो किसी ने कहा इसमें हमारी एक कदम की भी गुंजाइश नहीं है, है? ये तो वो हुजूर के जो गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है उनकी शान है, तो नबी पाक की शान तो बहुत बड़ा है, अब हुजूर का अपनी शान से चले। तो ए हुजूर पाक ने फरमाया जब मैं चला ओ 70,000 पर्दे नूरानी देखे अल्लाह, और पता नहीं उनकी मुसाफत में कितनी थी। तो मेरे आका के गुलामों अल्लाह जब हुजूर अज़माए इलाहिया की बारगाह से गुजरे तो फरमाया कि हुजूर पाक अल्लाह ताला रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, गफूर भी है, शकूर भी है, जवाब भी है। ये अज़माए इलाहिया आगे जितने भी खुदा की सिफ़ते रहमान है, रहीम है, गफूर है, इनके करीब आए तो फरमा के जब इनके करीब पास से गुजरे तो सारा मुतखल सारा मुतखल सम्बे सिफात हा हुजूर जो खुदा के अस्माओं की सिफात थी, रहमान की सिफत, रहीम की सिफत, गफूर की सिफत, शकूर की सिफत, ये इन सिफात से हुजूर मुतसिफ होते चले गए। जब गफूर के पास से गुजरे गफूर हो गए, रहीम के पास से गुजरे रहीम हो गए, अल्लाह माशारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अलियाबाद की तो बल जवाहिर सफा 36 पर लेकर फरमाते हैं कि हुजूर इन नामों के साथ मुतसिफ होते चले गए। गफूर के पास गुजरे गफूर हो गए, रहीम के पास गुजरे रहीम हो गए, तो हुजूर तो सब कुछ होते चले गए। फरमाया अब मेरे अबा इतना चला कि मेरे कुछ खालक हैं, रफ्तार मेरी और अभी मंजिल मकसूद नहीं आया है। फरमा जब इतने चले तो ख्याल आया, ओ एक ख्याल में मैं कितनी आगे आ गया। हुजूर ने फरमाया मैं अच्छे से तैयारी करी, तो यकदम एक आवाज आई कि या मोहम्मद मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंदे दीवानो, हमारे आका ने फरमाया मेरे यारे गार की आवाज आई। किन की आवाज आई? मेरे यारे गार सैयद सिद्दीक अकबर की आवाज के मुशाबे आवाज आई कि या मोहम्मद इन रब्बका युसल्ली, हे मोहम्मद अरबी तवक्कु फरमाओ, तुम्हारा रब सलात फरमा रहा है। तो हुजूर पाक अब ताज्जुब जब ये फैसल चाली हुई तो दिल बट गया, तो वो खत्म हो गई, मेरा यार यहाँ कहाँ आ गया, मेरा यार यार, क्योंकि यार की आवाज से सुकून मिलता है ना। हाँ मेरा यार यहाँ, और फिर दूसरा ये कि इन्ना रब्बका युसल्ली, तो ध्यान गया कि सल्ला युसल्ली तस्लियतन व सलातन, सलात का माना नमाज है, तो अल्लाह किसकी नमाज पढ़ता है, अब इस मायने की तरफ ध्यान गया और यारे गा तो मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फट जैसे ये आवाज आई और ध्यान पड़ा तो वहशत खत्म हो गई और आवाज आ गई इन रब्बका युसल्ली अलैका, अब सलात का मायने वाज हो गया, क्योंकि जब सिला आता है जो सो मायना उस सिले से मालूम होता है, तो आ गया कि इन रब्बका युसल्ली अलैक, महबूब तेरा रब तेरे ऊपर तो
جبروت نے شاور کر رہا ہے. اللہ اکبر. پھر آوازیں آنے شروع ہوئی, ادھرو یا احمد ادھرو یا محمد ادھرو یا احمد ادھرو یا محمد. اور قریب ہو میرے محبوب, اے میرے پیارے اور قریب ہو جا, اے محمد عربی. کام پھر چلا پھر چلا پھر چلا, تو در جیسے چلتا گیا کچھ جا کی آواز آئی, جھگڑے کسی آواز آئی, تو آواز آئی اللہ تعالیٰ کے بھی میت تسیب مناؤ ڈالا. وہ پھر اس نے جھگڑے کی آواز آئی, کہا میرے محبوب کے پھر اس نے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اب دیکھو ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں کہ فرشتوں کے جھگڑے کی طرف توجہ کر دیں گے, میری توجہ میں ہی آ رہے ہیں. تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ جائے کہ بھی مجھے اکتر سے کچھ ملاو ڈالا, یہ فرمایا کہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ مجھے آواز آئی جان جان کی طرف سنگے آپس کی. تو میں نے کہا لا ادری, مجھے کوئی فرشتوں فرشتوں کا کچھ پتا نہیں ہے, یہ وہ ترسی نہیں ہے جو نشے اتار دے, یہ وہ ترسی نہیں ہے جو نشے اتار دے, یہ آزمائش تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ رب پیارے نہیں رب پیارے نہیں رب پیارے نہیں, اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے, اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے. تو اللہ فرماتا رہا لن ترانی, میرے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لن یرانی, کیونکہ لن یرانی کا فائل آگے آتا ہے احدن, تو اس لیے تخصیص فرما دی کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, کوئی دیکھے تو دیکھے, یہ تیرا حصہ نہیں ہے لن ترانی. لیکن اگر موسیٰ تو زیادہ ہی کھاڑے پہ گئے جو پنجابی ضد کر رہا ہے تو کل جیسا کر پھر تمہیں لگ جب پہاڑی کی طرف دیکھ, استقر نہ مکان نہ ہوں فسو بترا دی, اگر تو قائم رہا تو ممکن ہے دیکھ لے. تو حضرت موسیٰ نے پھٹ دیکھا, شوق تو تھا ہی پھٹ دیکھا, بس اللہ کی تجلی تھوڑی سی بڑی چھا رہا موسیٰ سا ایک آم موسیٰ رسا میں ہو جو گیٹا پڑے. تو اللہ نے وہاں آج باہا محبوب کو کہ محبوب کو بھی تو میں محبوب بھی میں اکتشف ملا ڈالا, میں یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو عرض کیا میرے مولا یہ موسیٰ نہیں ہے, یہ موسیٰ نہیں ہے, لا ادری ان کو میرے مجھے کیا پتا کون ہے, میں کیوں جھگڑ رہے ہیں کیا ہو رہا. تو حضور کے علم میں یہ بات تھی, لوگ کہتے کہ حضور کو جو علم غیب بھی ہوتا ان کو پتا ہی ہوتا, تو یوں کیوں کہتے کہ لا ادری مجھے پتا نہیں, وہ پتا تھا تبھی تو لا ادری کہا. اللہ بھائی اتنی کہ اتنی دور صفا اتنی مسافت کر کے محبوب آ رہا ہے, دیکھو تو میرا محبوب ان کی طرف توجہ دیتا ہے کہ سیدھا میری طرف آ رہا ہے. زوم اللہ دین فستوا اور ما تلا صاحب کو مبا دبا سیدھے حضور تل دے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کسی کا, وہ تو ایسے ہی سمجھو نا کوئی اور چیز کوئی بڑی خوبصورت تو کوئی من چڑا اس کے پیچھے لگ پڑا. تو وہ جب اس نے بھول کے دیکھا رہے بھائی تو کیسے آ رہا ہے, انہوں نے کہا بس دھیان ہو گیا آپ کی طرف کام کر, کوئی بات نہیں اپنا کام کر سکتی تو اپنا کام کر. پھر وہ بیچاری چلتی رہی, وہ پھر پیچھے پیچھے چلتا رہا, پھر مڑ کے اس نے دیکھا ارے تو کیسے آ رہا ہے, کہا جی میں نے عرض تو کیا ہے کہ بس آپ پر دل ہی آ گیا ہے. اس نے کہا اوہو وہ کم وقت میری بہن میرے پیچھے آ رہی ہے, وہ مجھ سے بھی خوبصورت ہے, مجھے پھٹ پھٹ کر دیکھا, ایک تھپڑ مارا خبیث, اگر تم میرا عاشق تھا تو پیچھے دیکھتا بلا تشبیہ و بلا تمثیل. جب اللہ نے کہا میرے موسیٰ فانظر الی الجبل, موسیٰ کا کام تھا کہ نہ دیکھتے, لیکن ہمارے آقا نے کہا میرے محبوب یہ فرشتہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو وہ رحم آتی ان کا مجھے کچھ پتا نہیں ہے مجھے تیرا پتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر رسول اللہ حاضری لا یا نبی یا نبی میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت, نہیں تاجدار ختم نبوت کو ختم نبوت کو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہاں یہ تو تاج تارے ختم نبوت کہہ رہے ہیں, یہ تخت و تاج ختم نبوت سمجھے, تخت و تاج یہ سب تاج تارے ختم نبوت. تو یہ تو بات ہے, اگر سیکھو گے کہ تخت و تاج ختم نبوت,
हैं? अगर तख्त और ताज घर में मजबूत होगे तो तख्त और ताज कर्मचारी के कहां पर होते, कहां है इनकी हैसियत है? ये तो जिंदा तख्त और ताज तो ये ताज जो चल ताज जो तब जिंदा होंगे तो असल को मानोगे मेरे नबी को मानो जिंदा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये नबूवत सिफत है नबी की। पहले नबी को जिंदा मानोगे तो नबूवत है, अगर नबी को जिंदा ना मानो तो नबूवत क्या करी होगी? नबी जिंदा है तो नबूवत जिंदा है, एक हकीम जिंदा है तो हिकमत जिंदा है, वकील जिंदा है तो वकालत जिंदा है। वकालत सिफत है वकील की, हिकमत सिफत है हकीम की, और नबूवत सिफत है नबी की। नबी को लिखा मैंने ये जवाब दिया खुदा की बारगाह में तो बबाजा आ जाता हूँ बहने का था भैया, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत जैसा उनकी शान के लायक था मेरे यहाँ रखा, मेरे कंधों के दरबार पीछे अल्लाह ने रखा जैसा उनकी शान के लायक था। रोशन हो गई मेरे नबी के गुलामों, अब तुम पूर्व कब अंदाजा लगा लो कि यहाँ हाथ कब आता है, यहाँ तो यूं मिले तो आता है, यहाँ ऐसे मिले तो आता है। हाँ, तो ये कुर्ब इतना हुआ कि दना फता दल्ला बका न का बकाओ से नहीं हुआ, दना करीब हुए, कितने करीब हुए जैसे दो कमान। सुभान अल्लाह, सुभान दो कमान, ये कमानों के मिसाल देखते अल्लाह ने समझाया कि जैसे दो कमान ऐसे करीब हो गए। लेकिन ये तीर कमान वगैरह नहीं है, लेकिन चूंकि अरबी में नाजर हुआ है ना कुरान है, ये तो मुमकिन है, ये तो फानी कमान है, वो शान हो गए। आला हजरत यहां बोले और आपने फरमा के कमान इमकान के झूठे नुकतो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, कमान इमकान यानी मुमकिन तीर कमान जो होती है, कमान इमकान के झूठे नुकतो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहित की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। खुदा भी मुहित है, उसका महबूब भी मुहित है, सारी कायनात हुजूर के हाथ के अंदर है, कहा तुम कहां भूले फिर रहे हो, तुम्हें इसका क्या पता कि दना पता दल्ला पका नका पकाओ से नहीं आवरना, इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि जैसे दो कमान, ये दो कमानों को मिला के जब कोई गहरे यार बन जाते थे तो आपको खादा सुधा हमारे होते पगड़ी पलट भाई, उसकी पगड़ी अपने सर पे रख दी, अपनी उसके सर पे रख दी कि भाई ये तो बड़ा प्यार हो गया, अब ये पगड़ी पलट भाई बन गए, हमारा हिंद का हिंदुस्तान का ये रवाज है। और हरको का ये रवाज था दो कमानों को इकट्ठा करके उनमें से तीर एक चलाते थे और इशारा ये करते आज के बाद जो तेरा दुश्मन है जिसको तेरा निशाना होगा मेरा निशाना होगा, जिसको मेरा निशाना होगा उसको तेरा निशाना होगा, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, ये इशारा था उनका। तो अल्लाह ने इसलिए वो उन्हीं की मिसाल बयान की, तीर कमान का जिक्र इसलिए किया कि ओ मेरे बंदो याद रखना जो मेरे महबूब का चाहने वाला है वो मेरा चाहने वाला है, जो मेरे महबूब का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। लेकिन तुम तो तीन कमान को इकट्ठा करके एक दो कमान जमा की और उसे एक तीर चलाया, हम दो कमानों के करीब तो जैसे वो कमान तुम इकट्ठा करते थे हम उससे भी ज्यादा आओ, अदना ने ये बता दिया। अब उसको मैं तो उस नक्शबंदी हूं, मैं इसके बारे में क्या कहूं कि दो कमानों की तरह दोनों मोहब्बत मामूल ऐसे जमा हुए तो वो तो जुड़ गए उस, लेकिन रहेंगे तो जुदा जुदा ही ना। लेकिन यहां मामला ये है कि दो कमानों के तरह आओ अदना या इससे भी ज्यादा करीब, फिर तो बात ये कभी एक ही होगी कि नहीं होगी ऐसे ही। ये तो अब हमारे वाले भाई तो भाई समुंदर पे समुंदर वाले तो एक ही होगा, हाय हाय।